कैमरा थोड़ा कम। हाँ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग ऑलमोस्ट एक मंथ के बाद इंस्टाग्राम लाइव पे आए हैं और बहुत लोगों का बहुत दिन से क्वेश्चन था और एक एक करके वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कीजिए। हाँ तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है जैसे कि इन थेरेप्यूटिक्स के बेसिस पे, जैसे कि हार्ट डिजीज के लिए हार्ट मेडिसिन, बहुत से लोग आपसे सुनना चाहते कि स्पेसिफिक हार्ट के मेडिसिन बता दीजिए, लीवर के लिए जैसे कि जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इसके लिए क्या क्या मेडिसिन हम देंगे, यूरिनरी कंप्लेन हो गया उसके लिए हम क्या क्या मेडिसिन देंगे। तो इस तरह का लोगों का क्वेश्चन था कि लीवर के लिए और हार्ट के लिए मोस्टली क्या मेडिसिन हम देंगे। बात यह है, ये जो हार्ट की मेडिसिन बोलना या लीवर की मेडिसिन बोलना, ये हम लोग होम्योपैथी को बिल्कुल नैरो कर देने के लिए, छोटा कर देने, माइक्रो कर देने के लिए। होम्योपैथी एक विशाल समुंदर है, आप उसको हुगली नदी बना रहे हो, उससे कोई थोड़ी थोड़ी होम्योपैथी की तरक्की होती है। तो एक चीज याद रखना, थेरापेटिक सिस्टम, थेरापेटिक हम लोग कहा यूज करते हैं, थेरापेटिक यूज करते हैं हम लोग जहां पर हम जैसे लीवर की बीमारी, दो चीज होती है, एक लीवर की बीमारी और पेशेंट को। जब लीवर की बीमारी और पैथोलॉजिकल कंडीशन बहुत ज्यादा ऊपर उठने लगती और कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस नीचे जाने लगती, ऐसे केसेस में हम लोग अपनी ये इसको अच्छे से समझ लीजिए। आप कभी भी कोई भी बीमारी उसका लेवल पेशेंट के अंदर बहुत बढ़ने लगता है और कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम नीचे गिरने लगते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग कभी कभी तो इस स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ ए होम्योपैथिक मेडिसिन उसको दिमाग में रख के इंडिकेशन के साथ प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया लीवर है तो चिलिडोनियम देंगे, अगर चिलिडोनियम का इंडिकेशन होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये एक एक स्कोप है थेरापेटिक्स का, जिसको आगे चल के हमारे बहुत के प्रोफेशन के लोग जो है ना उसको बहुत मिसयूज किए थे, बिजी प्रैक्टिशनर हो गए। उन लोगों ने क्या किया कि पेशेंट के साथ जितना जस्टिफिकेशन होना चाहिए वो नहीं रखा और अपने प्रोफेशन स्पेशली मनी अर्निंग का जस्टिफिकेशन ज्यादा रखी। वो ऐसे में हम लोग जैसे बहुतों को हम जानते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि रेपर्टरी में लो, कोई भी रेपर्टरी का एक रूब्रिक, कोई पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स होता है लीवर के बारे में, उसको ये लोग पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ने के बाद उसके अंदर जितने मेडिसिन है उसका इंडिकेशन देखकर उसको प्रिस्क्राइब कर। ऐसे में बात कोई भी ऐसा रेपर्टरी में लीवर का एक रूब्रिक ले लिया, ठीक है, वर्टिगो का एक रूब्रिक ले लिया, सपोज फॉर एग्जांपल वर्टिगो का एक रूब्रिक ले लिया, वर्टिगो का रूब्रिक देने के बाद जितने मेडिसिन जो वर्टिगो के हैं
उसके अंदर से वो अपना सिम्टम मिलाते हैं जो स्टूडेंट उल्टा हो जा रहा है। हम लोग को पेशेंट का सिम्टम देकर फिर इंडिकेशन खोज के प्रिस्क्राइब करना चाहिए, टोटलिटी निकाल के प्रिस्क्राइब करना चाहिए। हम नहीं करके क्या करते, डायरेक्ट रूब्रिक वर्टिगो में चले जाते और रूब्रिक के वर्टिगो को दिमाग में ला के उस पर प्रोमिनेंट मेडिसिन होते उसका इंडिकेशन जबरदस्ती मिला के दे देते, थोड़ा बहुत उस पर फायदा हो जाता है। मेरे कहने का यह मतलब है अपने आप को इतना नैरो नहीं करना चाहिए प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस में। हम माविया के उस केस को क्यों इतना अप्रिशिएट करते हैं, उसे नजल पॉलिप में मलेरिया ऑफिशलिस्ट किया। मेरे बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन का यह मतलब है कि वो मेरा बेटा है, इसलिए बहुत कम उम्र में उसको ये समझ में आ गया है कि इंडिकेशन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है प्रिस्क्राइब करने का। उसके बहुत छोटे में, बहुत अर्ली उम्र में जब वो कॉलेज में एडमिशन लिया था, एक केस चेकिंग के अंदर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का केस था, बहुत कम, उनको लगता है फर्स्ट ईयर में ये पढ़ता होगा। उसने उसने कह दिया कि पूछा कि क्या मेडिसिन इसमें होगा, एंड ही रिप्लाइड दैट नैक्सोमिका। हमारे पास जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने भी हैरत ज्यादा हो गया। उन्होंने कुछ नहीं, हमने कहा तुम लोग बोलो, तुम चुपचाप रहे। हमने माविया से पूछा कि भाई तुमने क्यों कहा कि अब तुम ये मेडिसिन ये जानते हो, ये बीमारी सर्वाइकल वो खामोश है। और ये कहा कि इसलिए कि नक्सोमिका का सिम्टम है नक्सोमिका जी है, एंड इट इज वेरी शॉकिंग टू मी ब्रदर, इज ए प्लेजर शॉकिंग दैट मुआविया हैज गॉट इन द राइट पाथ। उसके बाद उसका वो उसका केस आया। हम लोग पैथोलॉजी के चक्कर में इतना परेशान हो जाते हैं, डायग्नोसिस के चक्कर में इतना, डायग्नोसिस हैज गॉट इट्स ओन स्कोप एज वेल एज लिमिटेशन, उसका अपना स्कोप। केस को मैनेजमेंट करने में डायग्नोसिस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्रिस्क्राइब करने में डायग्नोसिस का इम्पॉर्टेंस बहुत कम हो जाता है। तो हमने हमको बहुत सारे लोगों ने, हम भी थेरापिटिक्स कभी कभी या रूब्रिक ऐसे देखते हैं, स्कोप क्या है, पैथोलॉजी बहुत एडवांस हो जाएगा बहुत, और इंडिकेशन का सिम्टम बहुत नीचे चला जाएगा, इंडिविजुअल का सिम्टम बहुत नीचे चला जाएगा, टोटलिटी जो है वो फ्रैक्चर हो जाता, टोटलिटी ज्यादा से ज्यादा सिम्टम नजर आने लगता है। ऐसे ही हाल में कभी कभी हम लोग कोशिश करते हैं, आप तो है नहीं, नहीं तो ये इसका जो जो लोग ऐसे यूज करते हैं वो आगे चल के केसेस में फंस जाते हैं, उनके केसेस आगे चल के बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और उनका प्रिस्क्राइबिंग फिर राइट लेफ्ट शुरू हो जाता है और ठीक डायरेक्ट की तरफ जाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए स्कोप ऑफ थेरापेटिक्स बहुत लेटर स्टेज में। देखो बहुत अच्छे प्रिस्क्राइबर डॉक्टर नैश ने भी अपनी किताब में पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स दिए हैं, मींस बताए कि इसमें इतना मेडिसिन काम कर, उन्होंने लीवर मेडिसिन दिया, कुछ कहें भी दीज आर द लीवर मेडिसिन। जो लोग नैश पढ़ते हैं एक बार चेरिडोनियम पढ़ के देखते हैं और उसके साथ दो मेडिसिन और, उनको पता चल जाएगा कि उनका सोच कितना सही है कितना गलत है।
थेरापेटिक्स का जो एक उन्होंने उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया है आप लोगों के पास नैश है आपके पास? नहीं अभी यहाँ नहीं। तो जो लोग उसके नैश का जो थेरापेटिक का इंट्रोडक्शन है उसका लास्ट पैराग्राफ एक बार कीजिए। बहुत शानदार प्रिस्क्राइबर थी टाइलर, उन्होंने भी अपना एक थेरापेटिक का बुक निकाला पॉइंटर्स के नाम से। हेल्पफुल है, हम नहीं करते, लेकिन पहला प्राइमरी नजर हमारा जो होना चाहिए वो इंडिकेशन पे होना चाहिए। ये आपके बोरिक को उठा कर देख लिया, बोरिक का भी थेरापेटिक इंडेक्स होता है, ये आस्ते आस्ते बढ़ता चला गया और हम लोग का माइंड रिस्ट्रिक्टेड होना अपने आप को बहुत ज्यादा ओपन हार्टेड रखते। एक बहुत बहुत बड़ा फील्ड है प्रिस्क्राइबिंग, उसको मिस नहीं करना। और होम्योपैथी की ब्यूटी जो है और कभी भी थेरापेटिक्स के अंदर एनामनेसिस के प्रिस्क्राइबिंग आते, इसके लिए हमको एक बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होके टेस्ट। इसलिए हम लोगों को अपने जिंदगी में मैंने जो किया यही किया कि अच्छा टेस्ट है, अच्छी प्रिस्क्राइब। बहुत ज्यादा आदमी अगर चाहेगा कि हम प्रिस्क्राइब कर लें थेरापेटिक्स के जरिए, एक हिस्सा कवर हो जाता। जब मौर्य का टेस्ट मैंने लिया ऑफिशियलिस्ट का रिजल्ट इतना शानदार किया तो हमने पूछा, दिखाया मैंने उसको सिंथेसिस रिपोर्टरी कि देखो इस केस के नजर पॉलिप के अंदर मलेरिया ऑफिशियलिस्ट का कहीं ना मतलब ये है कि तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन जो है जिसको हम बोलते हैं रॉयल रोड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, एनामनेसिस मींस अ रॉयल रोड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, तुमने बहुत रॉयल रोड पर प्रिस्क्राइबिंग, तुम्हारी जर्नी जो है बहुत रॉयल रोड। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने आप को इतना नैरो रोड में नहीं दें, और जब लिबर्टी में नहीं है लेकिन ठीक हुआ मुझे क्या है ऑन द बेसिस ऑफ एनामनेसिस एंड होम्योपैथिक फिलोसॉफी। तो मेरा अपना मशवरा है कि कभी भी दो चीज, एक जो लोग अभी करते हैं सब सिम्टम दे देते हैं लेकिन रिपर्टराइज कर देते और ड्रग दे देते, नहीं थेरापेटिक टेक के एक दो ड्रग निकाल के दे देते, नहीं ओपन माइंड से पूरा टेस्ट और उस पे ये निकालो कि टोटलिटी में तुम्हारी क्या बात आ रही है विदाउट एनी रेफरेंस टू रूब्रिक, विदाउट एनी रेफरेंस टू थेरापेटिक्स। बहुत बहुत बदतमीज हुई है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने जब हमको प्रैक्टिस में देखा है जो भी मेरे पास बैठे उन लोगों ने ये देखा है कि हम हमेशा इस टेकिंग में टोटलिटी को प्रेफर करते हैं। अब टोटलिटी जो इमर्ज करता है कभी एनामनेसिस से करता है कभी किससे, ये ब्यूटी जो होम्योपैथिक की प्रिस्क्राइबिंग की ब्यूटी है ये कभी भी थेरापेटिक्स के जरिए नहीं आ सकती। ये मेरा अपना एटीट्यूड, इसलिए लोगों को चाहिए कि यू चिल्लाना शुरू कर देते हैं बोलना, सबको देखो कि अपना अपना एक शीट निकाल के केस बोला, एक शीट निकाल के बोल दिया ये मेडिसिन टॉप है हमने दे दिया। आर्ट ऑफ रिपर्टराइजेशन डज नॉट रिक्वायर द मेडिसिन आउटकम ऑफ द मेडिसिन फ्रॉम द रिपर्टरी, द आर्ट ऑफ रिपर्टराइजेशन इज गोइंग टू
declare that the symptom is going to be more important. Materia, judgment from the materia medica is very important. If your judgment from the materia medica, that's okay. But simple and mechanical attitude to selecting a medicine, a system which is going to be considered as a science as well as art, is not interesting. हमें लगता है कि थोड़ा क्लियर हो गया होगा. बहुत जगह हम लोगों को मिलता है किसको मिलता है थेरेपी, किसको भय रिपर्टरी का, बट आर्टिस्टिक रिपर्टराइजेशन करना. जैसे कि एक हमारे गौरंग साहब हैं, उन्होंने एक रिपर्टराइजेशन के खिलाफ आर्ट ऑफ रिपर्टराइजेशन ये होना चाहिए. Mechanical science of repertorization is a purely mechanical. बोलिए और कोई सवाल है यार, कितना में क्लियर हो गया ना, कोई और आप लोगों का क्वेश्चन है. जैसे जैसे वेबिनार स्टार्ट होने वाला है तो बहुत से लोगों का ये भी आता है कि एक आपका वेबिनार का सेशन हार्ट के ऊपर होना चाहिए कि हार्ट के बारे में, हार्ट में हम लोग क्या क्या मेडिसिन देंगे इस तरह से. तो ये लोग बोल रहे हैं इस तरह से एक वेबिनार करने, तो इस पे हम क्या उन लोग को आंसर करें. देखिए बात बात अभी जो हो गई है इसी के ऊपर हार्ट की बात अगर लेते हैं, आपके पास कितने हार्ट के पेशेंट आते हैं? ये जो जगलरी है हम लोग के प्रोफेशन में जगलरी नहीं होना चाहिए. जमुड़ा डमरू बजा के जमुड़ा का बोल के ऑडियंस नहीं जमा करने का. हम हार्ट के ऊपर हमें बोलने में कोई इतराज नहीं, हम तो बोल देंगे. 10 मेडिसिन बोलो, 15 मेडिसिन बोलो, 20 बोलो, 25 बोलो, 50 बोलो, 100 बोलो, बोल देंगे. लेकिन क्या जो हम बोल रहे हैं केस आ ही जाएगा तुम्हारे पास? लेकिन जो मेडिसिन हम तुमको सिखा देंगे तो बहुत आसानी के साथ उसका. जैसे हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं मेडिसिन बेसिलिना. एक बार एक केस में हमने प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में बेसिलिना हमारे साहब ने भी दिया था साहब, तो उसको दिल्ली के बहुत मशहूर प्रैक्टिशनर से अब नहीं रहे, उन्होंने एक दिन उनको सेमिनार में घेर लिया और कह कर लाल तुम बताओ तुम लोग बेसिलिनम प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट में कैसे देखते. बात सिंपल सी सर, इंडिकेशन रहता है इसकी, इंडिकेशन रहता है. लेकिन जो लोग इस तरह की बातें सुनना चाहते हैं उनको ये दिमाग में रहना चाहिए कि हम आपको होम्योपैथी की जो दुनिया है उसको बहुत छोटा करके दिखाना चाहिए. जब हमारे पास सारा इसको बड़े अच्छे से दिखलाने का है तो छोटा करके क्यों दिखाना. हमने ये आपकी जिद थी कि हम ये शुरू किया, नहीं तो हम इस मिजाज के आदमी हैं सब होम्योपैथिक से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. आजकल के जो नौजवान जनरेशन है उनको भी जल्दी है बहुत. ये लोग वो जंक फूड खाते हैं ना, स्ट्रीट फूड, प्रिस्क्राइबिंग भी जंक फूड की तरह करना चाहते हैं, जंक प्रिस्क्राइबिंग. मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत कच्चे उम्र से ही गलत चीज होम्योपैथी की सीख के आगे बढ़े. आपका उम्र है, इंटेलिजेंसी है, ब्रेन है, लोग हैं आपके पास सिखाने वाले, फिर कोई अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते नहीं करना चाहिए. मेरा अपना भी एक स्टाइल है थेरापीटिक्स का, वो हम बिल्कुल शुरू से एबिस नियाग्रा से शुरू करते जिंगम तक बोलते. फॉर एग्जाम्पल हम आप एक बताते कि किसी भी
केस के अंदर हम एक ऐसे ड्रग को प्रिस्क्राइब करेंगे जिसकी पैथोजेनेसिस कवर करती उस बीमारी, इंडिकेशन नहीं, अच्छे होम्योपैथी नहीं, इंडिकेशन के साथ पैथोजेनेसिस कवर हो जाए लाजवाब बात है, हमारी कोशिश ऐसे ही होती है। लेकिन जहां इंडिकेशन डोमिनेट करता है और पेशेंट का स्टेज ऐसा है वो डोमिनेट कर रहा है, तो अननेसेसरी पैथोजेनेसिस के पीछे दिमाग खराब करने की जरूरत है। और खासतौर से जो प्रिस्क्राइबिंग एनामनेसिस की होती है उसमें तो हम लोग परवाह ही नहीं करते, जिसको हम बोलते हैं कैप्सुलेटेड पास्ट, प्रिस्क्राइबिंग ऑन कैप्सुलेटेड पास्ट, पास्ट बिल्कुल कैप्सुलेटेड होकर बैठ जाता है, प्रेजेंट में भी बैठा रहता है। इफ आई एम गोइंग टू इग्नोर मींस आई हैव गॉट वन साइडेड आई, माय विजन इज वन साइडेड, वन साइडेड विजन से होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं होता। आप कम प्रैक्टिस करो, ज्यादा पैसा दो, ज्यादा प्रैक्टिस करके ज्यादा पैसे के चक्कर में आप अपने आर्ट को बदनाम कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु की टीचिंग थी और आज भी हम उस पर अमल करते हैं कि हम किसी तरह भी किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे प्रिस्क्राइबिंग के सिलसिले। उसके बाद नसीब की बात होती है, पेशेंट की डिसीजन है, मेरे नसीब। लेकिन हमको जो आज तक का जो इसका तजुर्बा है वो ये है कि कभी फेलियर नहीं, नसीब खराब है चले, सब पेशेंट बिल्कुल अच्छा हो जाएगा ऐसी कोई जरूरी बिल्कुल नहीं। पेशेंट के जो अपना इनक्योरेबिलिटी होता है, हम पैथोजेनेसिस की बात नहीं कर रहे, पैथोलॉजी की बात नहीं, पेशेंट इनक्योरेबल होता है, उसे बहुत अच्छा पेलिएशन ही किया जा सकता है, बहुत अच्छा क्योर का उम्मीद नहीं रख। तो ऐसे केस में हम क्यों अपने आप को छोटा कर, पूरा ओपन ये है फील्ड है, चुनके प्रिस्क्राइब करे, अच्छी वर्क इंजॉय करे ब्यूटी ऑफ प्रिस्क्राइबिंग ऑफ होम्योपैथी। उसके बावजूद भी लोग कहेंगे तो अपने अपने इस तरीके से न्यू न्यू ड्रग, अरे पॉलिक्लिस रेमेडी में पहले माहिर हो ना, ये लोगों के कम उम्र में लोगों को कितने केस, रेयर केसेस, रेयर रेमेडीज के आते हैं, कितने आते हैं, कितने हार्ट के केसेस आपके पास आए, लीवर के केसेस आते हैं। हम लोग भी कभी कभी लीवर के डिजीज को कंसीडर करते हैं, उसकी पूरी पैथोजेनेसिस को कवर करते हैं, बट विथ इंडिकेशन के साथ, बहुत लेटर स्टेज। मेरा मशवरा है जो लोग इस तरह की बातें सुनते हैं, एक बार जाके आप लोग देख लो, बहुत अच्छे प्रिस्क्राइबर रह चुके हैं, टाइलर नैश, आप तो पढ़ कर उनको देख लो, आपको ऐसा दूसरे सेमिनार में हम दिखला देंगे इन लोगों के जो इंट्रोडक्शन है, वो तो किताब अभी नैश वाली नहीं है मेरे पास, और पूछिए कोई दूसरा सवाल, इस पर क्लियर हुआ है या नहीं तो दूसरा सवाल पूछे। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक ने ये क्वेश्चन किया है कि एक पेशेंट में मेरा प्राइम इंपॉर्टेंस हम किस सिम्टम को देंगे, मॉर्बिड फेनोमेना को दिया जाएगा या फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन पे हम करेंगे, तो पेशेंट में हम इंपॉर्टेंस क्या देखेंगे? अभी अभी जो मैंने बात की है जो उससे मॉर्बिड फेनोमेना का कवरेज हो गया, मॉर्बिड फिनोमेना मतलब मॉर्बिड डिजीज फिनोमेना जो नजर आता है, ऐसी डिजीज जो थ्योरी जो अदम में नहीं हो, ऐसी डिजीज जो हवा में नहीं हो, अफरोजन वन फुट नोट, उसमें थ्योरिटिकल मेडिसिन की बात है, नहीं कहता है मेडिसिन शुड बी नेवर बी इन द थ्योरी लेवल, शुड बी इन द प्रैक्टिकल, शुड बी in the bedside level,
ऐसे केस में जिन्होंने ये सवाल किया है, इसको इम्पोर्टेंस दें, इसके इम्पोर्टेंस के लिए हम कंसीडर करेंगे सब चीज। एक मैंने कहा ना कि वन साइडेड विजन होके कभी केस को नहीं देखना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए मॉर्बिड फिनोमेना में क्या मिल रहा है, और क्या बोले फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मॉर्बिड फिनोमेना एंड फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन किसमें इंपॉर्टेंस हम देंगे। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के सिलसिले में हम इतना बोलेंगे कि अभी तक जितने सेमिनार और जितने केसेस सुनने को मुझको मिलते हैं, वो लोग बहुत अच्छी तरह फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जस्टिफिकेशन अब तक जो मैंने अपने एक क्लास में ऑर्गेनाइज पढ़ाते वक्त मैंने किया था पिछले वेबिनार में, उनको पता नहीं कि लोग उसको सुनता भी है या नहीं है, समझता भी है। लेकिन फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिस्क्राइबिंग मेरे हिसाब से लाजवाब अगर पूरी तरह को जस्टिफाई किया जाए। मॉर्बिड फिनोमेना एक पार्ट जो मुझको अट्रैक्ट करता है पेशेंट की तरफ, और मॉर्बिड फिनोमेना में इंडिकेशन है या नहीं और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन डोमिनेट कर रहा है कि नहीं, क्वेश्चन होता है डोमिनेशन। और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात एलेंस की नोट में जितने मेडिसिन जो दिए गए हैं सब के सब अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनन नहीं है, बहुत कुछ मेडिसिन एलेंस की नोट में जो दिया गया है बहुत कम मेडिसिन है जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनन कवर करता है। लेकिन हम सिर्फ देखने के फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को मार के अगर प्रिस्क्राइबिंग फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन पे करते हैं तो ये गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग हो सकता है, हनीमैन का जो थीम है फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं है। हनीमैन का थीम है फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो अब तक मैंने सुना है, एक आध केस मुझको पसंद आया है तो मैंने अप्रिशिएट किया, लेकिन जो मैंने सुना है जो लोग वो सही तौर से जस्टिफाई नहीं करते फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का। तीन पार्ट है, बीच भी ये फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ये बीच उससे पहले एक है, बीच में फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद पोस्ट फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट, जो प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो उसके बिना फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट नामुकम्मल है। नहीं समझ में आए दोबारा बोल देंगे। एक फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनन जो कंसेप्ट है उस पर तीन बात है, एक तो बीच में है फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले हनीमैन कहता है असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ नहीं हो, जो मेटेरिया मेडिका के अंदर डेवलप होता वो नहीं हो, ऐसा फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो तुमको बिल्कुल नजर आ जाए डेवलप हो तुम्हारे डिजीज के डेवलपमेंट, और उसका जो सेकंड पार्ट है पोस्ट पार्ट है, हनीमैन कहता है अंडर ब्रैकेट में आप तुमको हम ऑर्गेनिक खोल के दिखा दे तो ज्यादा अच्छा रहे। ये ऑर्गेनिक किताब है और इसके अंदर फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हनीमैन कर रहा है। एफ्रोजन पांचवी बात में कहता है
the ascertainable physical constitution of the patient. Under bracket goes the especially when the disease is chronic. When the chronic disease, when the disease is miasmatic. ये ध्यान में रखना पड़ेगा. Unconsciously physical constitution is prescribing without consideration of the miasm. ये constitutional हो सकता है. Physical constitution की बात अब तुम पांच में कह रहा है वो नहीं होता है. बहुत लोग बोल रहे हैं physical constitution prescribe. पर physical constitution को prescribe करने के लिए उससे पहले आपको miasm का बड़ा जबरदस्त knowledge होना. जबरदस्त प्रैक्टिकल मार्जन का, धुएं वाला मार्जन नहीं. और फिर उस फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप देखना पड़ेगा. एक एग्जांपल हम बताते हैं कि ध्यान में रख के बात करना पड़ेगा, अंदाज से नहीं. मैंने एक दफा एक बात बताया बहुत अच्छे से कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो पेशेंट का मिलता है वो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं उसका पेशेंट का होता है, उसके दादा परदादा से होता हुआ. ग्रैंड फोरफादर, फोरफादर, ग्रैंडफादर, फिर फादर, ये दो तीन जनरेशन से फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जमा होता रहता है. और कहता एक केस था अभी हाल फिलहाल में हमने देखा, उसके अंदर पेशेंट के अंदर सिम्टम डेवलप हो गया है, आंख का विजन, छोटी विजन चला गया. उसको डॉक्टर को दिखाया गया, आई स्पेशलिस्ट दिखाया गया, उन्होंने सबने ने कहा इसका बहुत मुश्किल है, आप ठीक करा. उसने हमको आके कहा, मैंने तो दवा खिलाते रहो बंद मत कर, जैसा है उससे अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मेरा अपना विश्वास है. तो हम ये देखते हैं कैसा रिजल्ट होता है. तो आस्ते 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 उन्हें खिलाना शुरू किया. उस केस में क्या मिला, कैसे ओपन होता है देखो, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर है और आपकी नजर नहीं पड़ पा रही ड्यू टू मेनी मायास्मेटिक प्रेशर, वो दब जाता है. इस केस में भी एग्जाम किया और एक दिन पेशेंट आके ये बताता है, छोटी बच्ची है, यहाँ मैं कभी अपने टैप को पानी के को अगर हम खोलते हैं नल को खोलते हैं, नल की आवाज जो पानी की गिरती है जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन इन फेवर ऑफ सम मैथमेटिक बैकग्राउंड, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन असर्टेनेबल, ये बनाया नहीं है मैंने, ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, तुम्हारा डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है जो तुम्हारे फिजिकल लेवल में डोमिनेट कर रहा है. और वो उसके बाद मैंने उस बच्ची के ग्रैंड फादर से पूछा, बोले नहीं हमको तुम्हें हाँ काटा के पैदा हो, अभी तीन चार साल पहले उस बच्ची के पैदा होने के बाद. उसके बाद हमने पूछा और कोई फैमिली में, नहीं 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 कुछ, मोस्टली ऐसी बातें जो है लोग अवॉइड करते हैं, मॉडेस्टी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये लोग अपना नहीं बोलना चाहते. उस केस में फिर बाद में अचानक उसने कहा, नहीं नहीं क्या करता, मेरे फादर को हमने देखा था, उनको काटा था,
मतलब उस बच्चे के ग्रैंड ग्रैंड फादर। ये ग्रेजुअली ये जो सिम्टम डेवलप होता 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 बॉडी के अंदर ऐसा पेवस्त हो गया, ऐसा हो गया कि उसका इससे वो अपने आप को अलग कर सकता ही नहीं। जैसे एक आपको हम एक बात बताएं, एक और केस क्लिनिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बताते हैं। ये पेशेंट, एक पेशेंट आया और उसके जबान पे डबल पड़ लग गया। डबल पड़ल होने की वजह से एक सिफिलिडम का एक सिम्टम आता है, लेकिन हमने उससे ये नहीं पूछा कि तुमको सिफिलिस का अटैक हुआ है। इसलिए कि जबान पे ये सिम्टम डेवलप होने के लिए कम से कम 2 से 3 जनरेशन चाहिए। हमारे जहन जबान पे निकल गया उसका मतलब हमको सिफिलिस हुआ था, फिर निकल गया, ऐसा नहीं होता। तो क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिम्टम होते हैं वो ऑर्गेनल मैनेजमेंट का रहा, उसमें कहने का मतलब ये होता है ये जनरेशन से आ रहा है, तुम्हारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वो बिल्कुल बदल गया है, चेंज हो गया है, अब वो तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारे दादा परदादा का जो वाइल्डनेस इफेक्ट है वो आ गया है। हनीमून के कहने का मतलब है स्पेशली इन क्रोनिक डिजीजेस, तो हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि फिजिकल असर्टेनेबल फिजिकल कंडीशन तुम दिखा के हवा में नहीं, अंदाज में नहीं, बनावटी नहीं, इमेजिनेशन नहीं। ने बहुत सारे केसेस में 2-3 सिम्टम हम बहुत फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली सिफिलिनम का हम कंसीडर करते हैं, हाई आर्च बैक, लोगों ने उसको भी बहुत बुरी तरह मिसयूज किया। 2 तरह के हाई आर्च पैलेट होते हैं, एक ऐसे डोम शेप और एक होता है तीन कोण ऐसे नोकीला। ये नोकीला जो हाई आर्च पैलेट होता है दैट इज इन फेवर ऑफ द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ सिफिलिनम। हम जब ये देखते हैं, पहले तो हम ये सबसे पहले मैंने ये डिस्कस किया था और दिखलाया था डॉक्टर विपिन जेठानी कब से पहले इन दिल्ली में कुछ केसेस में इनको दिखलाया। एक दूसरा मैंने उसको बताया उसके साथ जो टीथ होता है, टीथ का गम का जो मार्जिन होता है, सपोज लो ये टीथ है और ये मार्जिन है, यहां से वो चला हुआ है गम, ये गम है, ये मार्जिन है, इसके ऊपर तक टीथ। इस मार्जिन के ऊपर अगर कैरीज है दैट इज वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ द फिजिकल स्ट्रेचिंग ऑफ द सिटी। ये 2-3 बातें और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं हम कह सकते हैं फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में सिफिलिनम का मार्क सॉल्व का इसका, बट वी शुड कंसीडर, हमें डिसाइड करना पड़ेगा पहले प्रिस्क्राइबिंग किसको करते हैं। एक्यूट के लिए हनी मैंने बिल्कुल सेपरेट सिम्टम कर दे दिया प्रिस्क्राइबिंग कर, 152 बहुत अच्छे से पढ़ के देख दिया 153 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब। तो एक हमको समझ बूझ के पर रिजल्ट हो जाता है, बहुत जगह होता है, नहीं होता तो हम लोग दवा बदल लेते,
कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो जो साहब ने सवाल पूछा है, हमें लगता है इस बात से कुछ उनको क्लियरिटी हो गई है, और नहीं होगी अगर वो कलकत्ता के हैं। उनको कहो कि एक बार आके हमसे मिले, क्योंकि तो यहाँ जो हम बोलते हैं ना, किताब नहीं दिखा पाते, प्रेफरेंस दिखा के बोलने से ज्यादा अच्छा। और जैसे हम तो किताब लेके बैठते, जो लोग ऑडियंस के लोग हैं, हमें नहीं लगता कि वो लोग किताब खोल के बैठते। ये क्वेश्चन है सर, पॉलीक्रिस मेडिसिन भी पढ़ाइएगा। भाई मेरी ये तो कोशिश चल रही है कि सब पॉलीक्रिस्टी मेडिसिन पहले आप लोग, रेयर रेयर झटके बटके की बात होती है, बोल दिया करेंगे। हमारी जिंदगी में जो रेयर मेडिसिन, बहुत मैं बार बार कहता हूँ, रेयरली होता है। मेन पॉलीक्रिस्ट जितनी जो इज्जत मिलती है, पैसा मिलता है, शोहरत मिलता है, रिजल्ट होता है, सब पॉलीक्रिस्ट से होता है। और कोई आपका सवाल नहीं? तो ये जो है, जैसे कि 10-12 ऑब्जर्वेशन जो कहा जाता है, जैसे मोस्टली सुनने में आता है कि ये 12 ऑब्जर्वेशन केंट का था ही नहीं, तो ये अब कल आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है वेसेलिना और 12 ऑब्जर्वेशन, तो उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा ग्लिम्स अगर। बात ये है, इसमें आपने मुझको फंसा दिया है। 12 ऑब्जर्वेशन का जो क्लास होता है, जो हम पढ़ाते हैं, बहुत लंबा वक्त लेता है, तो मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। बहुत उसकी बड़ी खुजाई की है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिपोक्रेटस टू द टाइम ऑफ एनिमल। सही है कि कोई शक नहीं कि केंट ने इन सारी चीजों को एक जगह जमा कर दी। फैक्ट यह है कि उस सब नहीं, बिल्कुल अलग है, सब दूसरों का। अब इतना डिटेल में बोलने लगेंगे तो फिर पूरा टाइम खत्म हो जाए। आजकल के लोगों का मिजाज, हम बोल रहे हैं ना, हम बहुत जल्दी एक अपना ग्रुप बनाने वाले हैं, ये तो जनरल ग्रुप, सब अपनी अपनी मर्जी से पढ़ना चाहते। मैं एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मेरे मिजाज से लोग पढ़े, 50 बिल्कुल अलग, और ये अलग चलेगा। उसके अंदर कभी दिल बैठेगा तो आदमी बैठ के बोलेगा तो कैसे। इसके लिए हमारी बड़ी बड़ी खुजाई की, प्रोफेशन के लिए, हेयरिंग स्लॉ के लिए। हेयरिंग स्लॉ का भी मसला ऐसे ही है, हेयरिंग ने इसको बहुत अच्छे से कलेक्ट किया और उसका नाम हेयरिंग स्लॉ से मशहूर हो गया। फैक्ट ये है कि ये भी जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हुआ है वो हिप्पोक्रेटस का है, पैरासेल्सस का और हनीमैन। हनीमैन को अगर आप हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी को बहुत अच्छे से ध्यान से सुने देखे तो आपको पता चलेगा दैट पीपल सो क्लेम हिमसेल्फ दैट आई एम द बेस्ट हनीमैनियन, इन दैट वो वर्स्ट हनीमैनियन थे। और हनीमैन और बोनिंगेशन को ऐसा दबाया गया, ऐसा दबाया गया कि फिर उनकी सारी अच्छी अच्छी चीजें दबती रह गई और फिर वो मेरे नाम से आ गए। हनीमैन को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ये एहसास होता है, ऐसा जीनियस आदमी हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में, स्पेशली रैशनल मेडिसिन में नहीं आया। आप गौर से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कितना मेहनत किया वो आदमी। हम उसकी किसी किसी छोटी बहुत कमी को हम लोग भूलते, अरे जो किया वो दिखा, वो कंट्रीब्यूट करके दिखा। तो ये 12 ऑब्जर्वेशन वाली बात जो आप लोगों ने रख दी, अभी रखना नहीं चाहिए था, अभी सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, ये छोटी छोटी बातें आस्ते आस्ते करते करते जब आपका, हमको ऐसा लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है
वो बहुत मैच्योर्ड नहीं है और कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता है। ये लोग सवाल क्योंकि आपने ये जो हमने इसका बहुत अच्छा नाम रखा है जुस्तजू रूबरू, मैंने अपने डायरी में इसका नाम ऐसे ही रखा है जुस्तजू रूबरू, सामने हमने बैठ के हम लोग ढूंढते हैं। ये आपका ये जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छा है, इसमें जो भी जितना भी हो सकता है लोग पूछते हैं क्वेश्चन सवाल करते हैं उस ठीक है हम जवाब देंगे। कि बहुत जगह जरूरत होती कि सामने बैठ के सुनना पड़ता, किताब को खोल के दिखा दिखा के बोलना पड़ता, सिर्फ उसे सुनने में वो हवा दिमाग में निकल जाएगी, वो किताब में दिखला देंगे तो अपनी जिंदगी भर आपके दिमाग में बात बैठी रहेगी। अगर सेटिस्फेक्शन हो गया तो दूसरा सवाल पूछिए। एक एक ने क्वेश्चन किया कि इन केस ऑफ केलॉइड देयर इज नॉट मच not much mental history and no other symptom present, what should we take? बहुत अच्छा सवाल है। हनीमैन ने इसको अपने ऑर्गेनन में इसको बहुत अच्छा से डिस्कस किया एंड ही कॉल्ड वन साइडेड डिजीजेस, जिसको बाद में पियर स्मिथ ने कहा डिफेक्टिव इलनेस, इलनेस ही डिफेक्टिव है, अपनी अपनी बात है। तो उसमें ये वन साइडेड डिजीजेस जो है केलॉइड स्पेशली स्किन के लिए व्हाट्स केलॉइड सब वन साइडेड, इसमें आपके उसके इंडिकेशंस नहीं है, है ही नहीं। अब यहां से अगर आप बात करो कि थेरेप्यूटिस्ट करोगे इसके तो थेरेप्यूटिस्ट में तो बाकी नहीं है, जबरदस्ती हम लोग मेडिसिन टूल साथ के थेरेप्यूटिक बना दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें अवे फ्रॉम द डिजीज जाना चाहिए, विच इज द फिलोसफी ऑफ होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग। केलॉइड हमको याद है जब हमें NIH पे शुरू शुरू में ज्वाइन किया तो बड़े एडवर्स एटमोसफियर थे हमारी, उसमें एक केस आया वो 10-12 साल से केलॉइड का ट्रीटमेंट करा रहा था, बूढ़ा आदमी 10 साल ऐसा होता 8-10 साल। तो उस जमाने में जो उसके फिजिशियन हुआ करते थे NIH के चैंपियन फिजिशियन, उनके तबियत क्या कहीं बाहर चले गए थे नहीं आ सके, तो वो बेचारा परेशान था, मेरे पास आ गया, हमने उसकी बहुत अच्छे से केस ट्रीटमेंट, क्या मिला इस उम्र में बुढ़ापे में जाने के बाद हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर जो है अटैचमेंट बॉन्ड्स बहुत अच्छा हो जाता, दुख सुख देखते 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 अच्छा आस्ते आस्ते होते होते बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता। पूरे केस चेकिंग के दौरान मैंने एक बात नोटिस कि वो बड़े मियाँ कोई भी बात हम उससे पूछते थे और उसकी बीवी अगर कुछ बोलना चाहती बहुत बुरी तरह इंसल्टेड झड़कते थे, हम ये केस सुनते रहे देखते रहे। लास्ट में मैंने मैडम से पूछा क्या हमेशा आपके साथ ऐसे ही करते हैं, बोले नहीं ये जब से बुढ़ापा आया है जब से करते हैं, पहले हमारे साथ ये जो Indifference to the loved one, ये मेरी अपनी consideration की prescribing। एक अब आपको इससे बहुत एक और एडवांस चीज बताते हैं, मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, पहले मैं खुल के बताया भी करता है लेकिन अब न सुनने वाले हैं न सुनाने को जी करता है। ये जो स्क्रीन है वो प्लेन है, वो केलॉइड का एरिया इंडिफरेंस टू द स्किन होगी, सो स्किन में केलॉइड एज इंडिफरेंस टू द सराउंडिंग्स एंड अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट इंडिफरेंस टू द लवर,
स्टार्टिंग फ्रॉम साइकोसोमेटिक इंडिफरेंस इंडिफरेंस एंड इंडिफरेंस आई गिव सीपीआर 3 वन सिंगल डोज दे के मैंने उसको 3 महीना तक 11 महीना तक मैं प्लासिड और आस्ते 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 उसका कम होता है क्योंकि जमाने में मेरे साथ बैठते थे उन सबों को मैं केस दिखाया करते कहने का यह मतलब होता है एक्जिमा एक्जिमा में बहुत अच्छा इंडिकेशन ग्राफाइटिस का मिलता है कभी कभी बट आई नेवर यूज ग्राफाइटिस अवे फ्रॉम द डिजीज होना चाहिए ये स्टिकी फलाना चिलाना ऐसे देख के उसके अंदर सिम्टम ऑलवेज अवे फ्रॉम द डिजीज होना चाहिए ये होम्योपैथिक फिलोसॉफी एंड स्पेशली इन द केस ऑफ वन साइडेड डिजीजेस हम लोगों को स्किन छोड़ के पैथोलॉजी छोड़ के अवे फ्रॉम द डिजीज जाना चाहिए वहां से इंडिकेशन देके प्रिस्क्राइब करना चाहिए उसके अंदर कोई बात आएगी फिर फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात आनी चाहिए असर्टेनेबल फिजिकल बनाने की बात नहीं या फिर हम लोगों को ये दिमाग में बात रखना चाहिए कि अवे फ्रॉम द डिजीज कहाँ कहाँ सिम्टम मिल सकता है इसको हम लोग ध्यान देके वहां से टोटलिटी को कंसीडर करना चाहिए स्किन के सिम्टम को लेकर कंसीडर नहीं करना चाहिए प्रिस्क्राइबिंग ये इसी बेसिस के ऊपर ऑर्गेनन के बेसिस के ऊपर हमको जो भी ट्यूमर वन साइडेड इसके अंदर ट्यूमर में कोई इंडिकेशन नहीं मिलता हम लोग उस पेशेंट का जो मेंटालिटी होता है वो कंसीडर करते हैं जनरेटिव जो होता है वो कंसीडर करते हैं ट्यूमर को पर्टिकुलर ट्यूमर को कोई कंसीडर नहीं हार्ट के भी केसेस में मेरा दो एंगल है वेल अवे फ्रॉम द हार्ट हार्ट का सिम्टम को कंसीडर ही नहीं करते एंड पेशेंट का जनरेटिस जो होता है उसको दिमाग में रख के प्रिस्क्राइब बात क्लियर हुई है आपके जो लोग क्वेश्चन करते हैं उनसे आप पूछ लिया उनका और भी कोई क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन नहीं और थैंक यू वेरी मच एंड आई अप्रिशिएट योर फीलिंग टू डिस्कस रूबरू एंड रिसर्च द सॉल्यूशन ऑफ आवर होम्योपैथिक प्रैक्टिस बहुत अच्छा एटीट्यूड है आपका जितना हमसे मुमकिन हो सकेगा हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कल का वेबिनार है 7 बजे है हम कोशिश करेंगे कि उसके अंदर पहले बेसिक लाइन हमसे शुरू करें प्रॉब्लम क्या हुआ हम आपको एक बात बताएं कि सब लोग ब्रेसिलाइनम का एक वक्त था उसपे जब बर्नेट ने इसको शुरू किया क्लार्क ने जब उसका बोलना शुरू किया तो उसके बाद मॉडिफिकेशन होने लगा लोग आस्ते आस्ते ट्यूबरक्यूलिनम का जब जान लगे और केन ने उसके बाद तो बिल्कुल ब्रेसिलाइनम का वजूद ही खत्म कर अब सिर्फ ट्यूबरक्यूलिनम यहाँ तक बहुत सारे प्रिस्क्राइबर ने ये भी कह दिया कि ट्यूबरक्यूलिनम बेसिलियम ये सब एक ही और लोगों को आजादी मिल गई लेकिन नहीं बेसिलियम बेसिलियम है ट्यूबरक्यूलिनम मैंने मुजुमदार साहब को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है कि बेसिलियम छोड़ के कोई और ड्रग ड्रग बोले तो बेसिलियम ही देते थे ट्यूबरक्यूलिनम ही देते थे हम लोग अभी बीच में थोड़ा सा ट्यूबरक्यूलिनम सब सब हम देते हैं तो जस्टिफिकेशन है तब देते हैं नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमने चाहा मेरी कोशिश है कि हमारे गुरु का जितना आशीर्वाद है हम सारे लोगों में शेयर करें बच जाता है 12 ऑब्जर्वेशन का
तो हम एकाक का ऑब्जर्वेशन या दो मिनट बोलेंगे, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता उसको बोलिए, उसके बाद आपकी ऑडियंस अगर आप जिद करे या हम थेरापेटिक ही सुने, फिर अपना एक स्टाइल है थेरापेटिक का। अब एक चीज तो अच्छे से सुनो, एक चीज अच्छे से नहीं सुन, दिमाग बनाना पड़ता है, अपना रिफ्लेक्स बनाना पड़ता है, हमको यही करना है। सब सुन लें और कुछ ना करें तो कोई फायदा नहीं। चलिए ठीक है, कल कल मिलते हैं फिर आप मुझसे। ये लोग जितने अभी इसमें आते हैं ये लोग भी हम लोग के इसमें हैं? हाँ है बहुत। बस ओके।